अगस्त 3, 2023 को एक हॉलीवुड मूवी रिलीज हुआ था जिसका नाम था मैग 2 था। और अगर आपने इस मूवी को देखा हो तो आपको तो पता होगा कि इस मूवी में मेगालोडॉन शार्क को एक सी मॉन्स्टर की तरह दिखाया गया है, क्योंकि दोस्तों मेगालोडॉन समुद्र का अब तक का सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है, क्योंकि इनके पास 7 इंच से भी ज्यादा लंबे दांत हुआ करते थे और इनका साइज दो बड़े स्कूल बस से भी ज्यादा हुआ करता था। लेकिन दोस्तों क्या हो अगर आपसे मैं ये कहूँ मेगालोडॉन से भी ज्यादा खतरनाक और बड़े शिकारी आज से करोड़ों साल पहले समुद्र में रहा करते थे। मुझे पता है कि आप इस बात से कभी अग्री नहीं करोगे कि मेगालोडॉन से भी खतरनाक और बड़े शिकारी कभी हुआ करते थे। इसलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे ही समुद्री जीव के बारे में जानने वाले हैं जो मेगालोडॉन से भी काफी बड़े और खतरनाक हुआ करते थे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो आज का वीडियो है टॉप 5 डेंजरस सी क्रिएचर्स। नंबर 5, प्लेजियोसॉरस। इस महादानव का पहला फॉसिल 1823 में मिला था और आज से करीब 215 मिलियन ईयर्स पहले समुद्र में रहा करते थे। इनकी लंबाई 15 मीटर तक हुआ करता था और वजन 45 टन तक हुआ करता था। और माना जाता है कि प्लेजियोसॉरस का बाइट फोर्स 33,000 PSI तक होता था, यानी जीव का बाइट फोर्स मेगालोडॉन से 7,000 PSI कम है। लंबाई और वजन के मामले में प्लेजियोसॉरस लगभग मेगालोडॉन के जितने ही थे। इनके साइज और वेट के बारे में साइंटिस्टों के पास सटीक जानकारी नहीं है। नंबर 4, स्टेथोकैंटस। ये अजीब से दिखने वाला शार्क आज से करीब 370 मिलियन ईयर्स पहले समुद्र में रहा करते थे। ये ज्यादातर स्मॉल फिश और सेफलोपॉड जैसे जीव को खाया करते थे। इनका साइज बाकी शार्कों से कम क्यों ना हो, लेकिन स्टेथोकैंटस बाकी शार्कों से बहुत ही अलग हुआ करते थे, क्योंकि इनके सिर पे डॉर्सल फिन हुआ करता था। और साइंटिस्टों को ये पता नहीं कि इनके सिर पे आखिर डॉर्सल फिन क्यों हुआ करता था, और माना जाता है कि यह डॉर्सल फिन मेटिंग पर्पस के लिए होता होगा। खैर, ये अजीबोगरीब दिखने वाला शार्क आज से करीब 200 मिलियन पहले इस धरती से विलुप्त हो गए। नंबर 3, डंकलियोस्टस। ये दैत्यकार मछली मेगालोडॉन से पहले ही समुद्र में रहा करते थे। ये आज से करीब 382 मिलियन पहले समुद्र में राज करते थे। इनके बॉडी पे बड़े बोनी प्लेट्स हुआ करता था, जिसे अदर प्रेडेटर के हमले से बचा करते थे। डंकलियोस्टस का सबसे बड़ा हथियार इनका जाव था, क्योंकि इनका जाव मूवमेंट 180 पर मिनट तक हुआ करता था, यानी जब तक आप अपनी आंखों को पलकाएंगे तब तक ये मछली आपको 3 बार काट चुका होगा। उस समय समुद्र में अचानक चेंजेस की वजह से ऑक्सीजन की कमी हुआ था, और इस वजह से डंकलियोस्टस आज से करीब 357 मिलियन ईयर्स पहले विलुप्त हो गए। नंबर 2, लिवियथन। आप यकीन नहीं करोगे, इस दैत्यकार जीव का दांत 14 इंच तक हुआ करता था, यानी मेगालोडॉन के दांत से भी दुगना लंबा। ये जीव आज से करीब 10 मिलियन ईयर्स पहले समुद्र में राज करते थे। ये आकार में काफी विशाल हुआ करते थे। इनकी लंबाई 13 से 16 मीटर तक हुआ करता था और वेट 57 टन तक हुआ करता था। और साइंटिस्टों का मानना है कि लिवियथन कभी कभी मेगालोडॉन से भी भिड़ा करते थे, और लिवियथन मेगालोडॉन को भी आसानी से हरा सकते थे। नंबर 1, मोसासॉरस। अगर आप जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखे हो तो आप इस महादानव के बारे में अच्छे से जानते होंगे। मोसासॉरस आज से करीब 145 मिलियन ईयर्स पहले समुद्र में बादशाह की तरह घूमा करते थे, और ये जीव काफी विशाल हुआ करते थे। इनका साइज 17 मीटर तक हुआ करता था और वेट 15 टन तक हुआ करता था। और मोसासॉरस के पास काफी लंबे पूंछ हुआ करता था, जिसकी मदद से ये 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकते थे। ये ज्यादातर बोनी फिश, शार्क्स और अदर मरीन रेप्टाइल्स को अपने शिकार बना लेते थे। मोसासॉरस मेगालोडॉन से भी ज्यादा लंबे हुआ करते थे, लेकिन वजन में मेगालोडॉन से कम हुआ करते थे। और साइंटिस्टों का कहना है कि मोसासॉरस का और मेगालोडॉन का कभी मुकाबला नहीं हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों मोसासॉरस मेगालोडॉन के 50 मिलियन ईयर्स पहले ही विलुप्त हो चुके थे, क्योंकि उस समय एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराने की वजह से समुद्र में काफी चेंजेस हुए थे। इस वजह से मोसासॉरस सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। और क्या आप जानना चाहते हो अगर आपको एक ब्लू व्हेल ने निगल लिया तो क्या होगा? जानने के लिए प्लीज एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे क्लिक कर देना। फिर मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो में।